फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल बढ़िया होंगे। और आज मैं सुबह ही नहा धो के तैयार हो गई हूँ और सारा काम भी मेरा हो गया है, क्योंकि आज ये ऑफिस जा रहे हैं ना, तो ये ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस जाते जाते ये मेरे को रास्ते में मेरी चाची है, मेरी बहन है, मतलब मेरी दीदी के घर में आज जा रही हूँ। तो मैं बहुत टाइम से गई नहीं हूँ और घर में इतने दिन से अकेली हूँ, बच्चे गए हुए हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसलिए आज मैं ये कहते चल मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और जब ये शाम को ऑफिस से आएंगे तो ये मुझे लेते हुए आ जाएंगे। तो अभी मैं तैयार होके और मैं इनके साथ निकल रही हूँ, और फिर मैं वहाँ पहुँच के मैं करती हूँ आपसे बात। यहाँ पे रेड लाइट हो रखी थी तो इसलिए हमें यहाँ रुकना पड़ा। और ये बच्चा पार्क है, देखो यहाँ ना महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है। और सुबह सुबह यहाँ पे फूलों की शॉप थी और फूलों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और ये है मेरठ का घंटाघर, आप सबने देखा ही होगा। और यहाँ पे ना जीरो मूवी की ना शूटिंग भी हुई थी। ये देखिए काले काले जामुन, काला नमक डाल के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं मुझे तो, बल्कि मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन अभी मैंने खाया है ना तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। देखो कितने अच्छे अच्छे जामुन हैं, ताज़े हैं, पेड़ के टूटे हुए। हेलो हेलो। तो मैंने बोला था ना कि आज मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर। वो मेरी दीदी भी है, मेरी चाची भी है, और ये है मेरी बहन। मैं इसकी मासी भी लगती हूँ और मैं इसकी दीदी भी लगती हूँ, बट दीदी वाला रिश्ता जो है वो ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा है दीदी वाले, क्योंकि ये है मेरे चाचू की बेटी, मेरे चाचा जी की बेटी है ये, तो इसलिए ये मेरी बहन है, छोटी सी प्यारी सी मेरी बहन है। और जो इसकी मम्मी है वो मेरी चाची है, लेकिन वो भी मेरी बहन ही है। तो कुल मिला के दोनों ही माँ बेटी मेरी बहनें हैं क्योंकि मतलब वो मैंने आपको कल फोटो दिखाई थी ना, जो अपनी वीडियो में जो हमारे साथ थी, मैम थी, मम्मी थी, पापा थे और दीदी थी, तो मैं उसी वाली दीदी के घर पर आज आई हुई हूँ। और अभी वो किचन में है, तो अभी हमने चाय वाय पी है ना, तो उसके वो मतलब थोड़ा किचन संगवारी और कुछ खाने पीने के लिए बनाएगी अभी, क्योंकि मैं आई हूँ तो कुछ ना कुछ मैंने कहा उसके मतलब खाना बहुत अच्छा बनाती है वो, तो मैंने कहा दीदी अपने हाथ का कुछ बढ़िया सा बना के खिला दे। तो मेरे ना बहुत दिन से मेरा ना काले चने खाने का बहुत दिल कर रहा था, और लेकिन मुझे ना दीदी के हाथ से काले चने की सब्जी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने उसको बोल दिया था सुबह ही कि मैं आऊँगी तो ना तू काले चने बनाएंगे, तो वो आज काले चने बनाएगी, हम वो खाएंगे। और इतने हम दोनों सिस्टर्स जो हैं वो बैठ के कर रही हैं गप्पे गप्पे, यानी मतलब बातें छाते मस्ती कर रहे हैं हम लोग। टिया कभी नहीं है ना, टिया नहीं आई है, तो टिया इसकी बहुत पटती है, तो टिया नहीं आई तो कनक टिया को मिस कर रही है ना, कनक टिया को बहुत मिस कर रही है। और कबीर को भी ना, कबीर टिया को मैं दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हमें पूरा एक साल हो गया, हम अभी तक मिले नहीं है। हाँ। लॉकडाउन था तो पापा हम मुझे तो बाहर लेके जाते नहीं थे, एक दो बार मम्मा ही गई हैं दीदी के घर पे, तो वहाँ पे वो दोनों मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास किसी का फोन भी नहीं होता तो मैं किसको हाँ। उठाऊं मतलब इस बीच में बस इन लोगों ने वीडियो कॉल पे एक दो बार बात करी है, क्योंकि मिले नहीं है, क्योंकि मैं भी बच्चों को नहीं बाहर निकाल रही थी और ये भी नहीं कहीं बाहर जा रही थी, और मतलब कुछ ऐसे ही चल रहा है आप लोगों को पता ही है, तो इसलिए बस वीडियो कॉल पे इनकी जो भी पता है क्या करती थी ये दोनों टी और ये इधर से वीडियो कॉल करके गाने चला के दोनों एक दूसरे को डांस दिखा रही हैं अपना है, ऐसी इनकी मस्ती होती थी कनक की। कनक कौन सी क्लास में आप बताओ? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th क्लास में है तो कनक 8th में है, और जो टीया तो 5th में है ही, लेकिन फिर भी दोनों की आपस में ना बहुत बनती है। भैया की बेटी है पीहू, वो आप जानते हो अभी घर पे जो आए थे, ये जब सब मिल जाते हैं ना सारे बच्चे पांचों, ये जो बच्चे पांच है हमारी फैमिली के, तो बस इनको तो बस संभालना मुश्किल हो जाता है, जो संभाले वो तो पूछो मत बस इनके क्या हाल है। तो अभी ना कनक, अभी मैं आपको थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी कि कैसा है घर, बाद में दिखाऊंगी वो मैं आपको, अभी पहले मैं कुछ खा पी लूँ जरा सा, है ना कनक? क्या ला रहे हो दीदी के लिए आज? कुछ लेके आ मेरे लिए जल्दी से खाने के लिए, जाओ। क्या लेके आया? कुछ भी लेके आया यार, नमकीन, चाय बना, चल चाय बना के ला मेरे लिए। चाय? तेरे हाथ की चाय पीऊंगी मैं सही में, चाय बना के ला मेरे लिए, चाय बना।
देखिए फ्रेंड्स, ये ना कनक ने बनाया है, फादर्स डे पे बनाया था अपने पापा के लिए। इसमें ना ये जो बीच में जो रिंग है, इसमें इसने फोटो लगाई थी, इस टाइम फोटो हटा दी है, पर देखो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे नॉर्मली देखो आप, ये मीना मुझे दिखा दूँ इसमें अपना, ओ कैसे लग रहा हूँ मैं। देखो मतलब कितना अच्छा बना रखा है। ये पेपर है, पेपर को ऐसे ऐसे फोल्ड करके ना ऐसे करके बना रखा, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब बहुत अच्छा, मुझे तो खुद ऐसी चीज़ें बना रहा है, क्या करूँ। बहन तो मेरी है ना, असर तो आएगा मेरा भी कुछ भी इस पर। क्या कनक, सीरियसली यार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है। मैं टिया को भी दिखाऊंगी, टिया को भी अच्छा लगेगा, टिया को भी बहुत शौक है ऐसी चीज़ें बनाने का। हाँ, टिया को भी अच्छा लगेगा, टिया भी ऐसी वो बनाएगी। मेरा तो ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है मेरे। नहीं नहीं बेटा, अच्छा। और मैं ना ऐसे ही मतलब ऐसे सोचू कि मैं ऐसा ना काफ़ी बड़ा सा एक बना के ना फिर घर में इसको ऐसे लगाऊंगा ना, वहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है कनक, सीरियसली यार। देखिए कनक ना बना रही है मेरा हेयर स्टाइल, कह रही है कि दीदी मैं आपका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। स्टाइल बनाया कनक ने। आहा, देख बिना मुझे आंखें भी टेढ़ी कर रही हूँ, मुझे तो तब भी नहीं दिख रहा ये। ऐसा हेयर स्टाइल बनाया जो मुझे दिख दिख भी नहीं पा रहा है। मतलब अरे इसमें तो मैं वो लग रही हूँ चमेली सी। चल हटाए से चमेली, मुझे चमेली बना दिया। हीरोइन का तो तू चमेली बना ले, कहा था उधर उधर ही चमेली बना दिया मुझे। जल्दी उतार, सही है। अरे कनक पता नहीं मेरे को तो क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, थोड़ा बहुत कुछ करते पता नहीं कैसी सी लगने लग जाती, सिंपल ही सही हूँ ऐसी। भगवान जी ने मुझे वो बना रखा है, कम खर्चे वाली, कि बिना खर्चे के ही बिना कुछ खरीदे सरीदे ऐसे रह तू बस, है ना। अब सही है, अब सही लग रही हूँ। बना दे तो मुझे चमेली, आई हीरोइन बनाने, बना दिया चमेली। मतलब इसमें सुबह सुबह बहुत सारे फूल आ जाते हैं है कनक, तो जब मैं सुबह आई थी तब मुझे बताती ना, मैं इसमें बहुत सारे इसकी वीडियो बनाती हूँ। अच्छा ये जो नीचे हैं, अच्छा सुबह हो जाते हैं फिर शाम को ऐसी बढ़िया है। तो ये वाले भी दीदी तुम्हारे ही है, कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारे, यहाँ से यहाँ तक। अच्छा बढ़िया है। और ये आपकी सड़ी सी फुटबॉल, सड़ी सी फुटबॉल है कनक की। ये मेरी नहीं है फुटबॉल, ये ऐसे इसलिए है घर के, यहाँ पे बहुत क्यूटी सा छोटी सा बच्चा है उसकी बॉल है ये, और इस टाइम बाहर पर ही मैं खेल लेती हूँ उसकी बॉल। अच्छा ये बाहर ही पड़ी रहती है इसकी बॉल। हाँ क्या, सब उसके सारे टॉय बाहर ही रहते हैं, हम उसके कभी भी खेल लेते हैं, बच्चे कभी भी उसकी टॉय दिखाते। कितने बच्चे यहाँ पे, बहुत सारे हैं क्या बच्चे खेलने के लिए। मन लग जाता है ना, लेकिन मैं नहीं खेलती। क्यों? Not allowed. Why? Moms can't be allowed to me to play outside. Okay, okay. Play inside only, please. Only inside. भिंडी भी बनाएगी? भिंडी और काले चने। मैं मुझे तो बस काले चने ही खाने थे, रात के दो दो के बना रहे, इतना कष्ट क्यों कर रही है तू। भगवान जाने, कह रही भगवान जाने, कह रही भगवान जाने। हमारे यहाँ सूखी सब्जी और लस्सी की चीज दोनों चाहिए। दोनों चाहिए? पापा को तो वैसे भी दोनों चाहिए, पापा नॉट सेटिस्फाइड विद वन सब्जी। कह रही पापा नॉट सेटिस्फाइड विद वन सब्जी, पापा को दो सिंगल सब्जी, वन सब्जी चलो चलो। तो ये कपड़े सूख रहे हैं, आज तुम्हारी माता जी ने कपड़े धोए हैं। ये है पौधे, अरे वाह बेचारे सूख गया।
ये भी बेचारा सूख गया। ये यार ये कितना अच्छा कवर्ड कर रखा तुमने, बिल्कुल पूरा ही कवर्ड हो गया ना ये। और ये क्या है इधर? इधर इसका गेट है, मतलब इसमें गेट बना हुआ है। हाँ, दिखाइए, मुंह भी खुलता है। अरे वाह, ये तो एक स्टोर रूम टाइप से बन गया है ना। हाँ, ये देखो हमने कितनी सारी चीजें स्टोर कर रखी है। वाओ यार, ये तो मैंने अभी देखा है, मतलब ऐसा तो मैंने देखा नहीं कहीं। हाँ। ये बहुत अच्छा तरीका है वैसे, कारीगर ने किया है। और ये अभी घर ना कुछ टाइम पहले ही बनाया, तो अभी मतलब थोड़ा तैयार हुआ तो फिर अपने रहने ही आ गए थे, बाकी रहते रहते धीरे धीरे सर चीजें करवा रहे हैं। और ये मनी प्लांट मुझे हिचकी आ रही है, कनक यार कितना अच्छा लग रहा है। इनका भी याद कर रहे होंगे, देख मनी प्लांट कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये यार बहुत हिचकी आ रही है। बेल है, ये कड़ी पत्ता है, ये पालक है, ये भी बेल का पौधा है, और ये फिर से आ गया हमारा क्यूटी। तुमने मतलब पालक भी छत पे उगा रखे है? हाँ। तुम तो गेहूं में यही उगा लेते हो क्या? नहीं, गेहूं। देख कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। आप देखोगे हर जगह का दुकान, यहाँ से आपको हरदेव नगर, संत नगर, गोकुल विहार सारे दिखेंगे आगे कब तक का। अभी यहाँ पे मतलब प्लॉटिंग हो रही है ना, इतने घर नहीं बने हुए। सामने देखो मकान भी बन गया है। अच्छा लग रहा है यार, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बन रहा है चने, इसमें क्या ऐसी के चने का मसाला बन रहा है, इसमें क्या भिंडी। अच्छा जी, ये मेरी दीदी की किचन है, देखो छोटी सी और कितनी क्यूट सी किचन है। जैसी ये है ना छोटी सी क्यूट सी, ऐसी इसकी किचन है छोटी सी क्यूट सी। सो क्या आप इनको देख के बोल सकते हैं कि ये मेरी चाची जान है? ये मेरी चाची जान है। इनको देख के कोई कहेगा ये मेरी चाची है? खैर मैं चाची तो मैंने इसको आज तक नहीं बोला, क्योंकि हम बचपन से साथ में रहे हैं ना। बचपन, हाँ शुरू है ना दीदी, शुरू से ही हम लोग हमेशा साथ में रहे हैं, तो हम लोग बहने ही हैं। मतलब मैं इसको दीदी बोलती हूँ, चाची तो मेरे से शायद कभी बोला भी नहीं जाएगा। मजाक में ही मैंने कभी एक आध बार बोल दिया होगा ना, तो बोल दिया होगा, नहीं तो कभी भी नहीं बोला। या जब मुझे कुछ चाहिए होता है चाचा जी से ना, तब मैं कह देती हूँ चाची इसको खुश करने के लिए। ये मेरे चाची कहने से खुश हो जाती है ना कहने। मम्मी कहते खुश हो जाती है, मैं चाची बोलती हूँ मम्मी खुश। पर उसको बेचारा ना मैं चाची कहती ना भैया चाची कहते, बल्कि जैसे मैं तो इसको दीदी कहती थी ना, तो मैं तो दीदी बोल भी देती हूँ। भैया ने तो क्या स्टार्ट कर दिया, आप और तुम नमस्ते और ठीक हो इतना, क्योंकि भैया नाम लेते थे ना, पर अब चाची बन गई तो हम नाम तो ले नहीं सकते ना, ये चीज़ है हमारी। और मतलब दीदी और मेरे में ऐसा है कि, बल्कि दीदी यार चार बहनें हैं, है ना दीदी? चार बहनें हैं, लेकिन दीदी को सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे है ना। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग से रही मेरे साथ ही है, इसलिए दीदी और जब भी दीदी और मैं आते हैं ना, तो चाचा जी यूँ बोलते थे कि ना सोनिया जब तू आते ना तो गुड्डू का खून बढ़ जाता है, उस प्यार से उसको गुड्डू बोलते हैं कि जब तू आते खून बढ़ जाता है, क्योंकि हम दोनों हंसते रहते हैं बहुत। ये देखो लगी हुई है हमारी बहन जी, छोटी बहन। बस ये बेडशीट ना, ऐसी सेम बेडशीट मेरे पास भी है, बस ये ब्लू कलर है, मेरा पर्पल कलर है। और ये देखो, ये जो कनक ने हमारी जो चीज़ें बनाई ना, तो मेरे को दिखा रही है इसने ये बनाया। कनक ये किस चीज़ से बनाया आपने? ये तो पेपर से लग रहा है मुझे। हाँ, ये पेपर से है। न्यूज़पेपर से? हाँ, न्यूज़पेपर से है। अरे वाह, अच्छा न्यूज़पेपर को ऐसे रोल करके। हाँ। फिर ऐसे चिपका दिया है ना, अच्छा लग रहा है। और ये नीचे अच्छा लग रहा है कनक। और क्या बनाया और दिखाओ? एक ही मैंने बनाया। ये आपने बनाया? ये क्या चीज? अच्छा, ये ना जैसे पहले ग्लिटर शीट को हमने फोल्ड, हाँ, काट लिया पहले ग्लिटर शीट को। ग्लिटर शीट को पहले हमने उस वैसे फोल्ड कर लिया, ऐसे करके फोल्ड कर लिया, तो उसमें हमने फिर उसमें ऐसे भी कटिंग कर दी, उसके बाद उसे ऐसे रोल कर दिया, तो ये ऐसे बन गया। अच्छा दीदी, के कितना अच्छा बना रखा है इसने। और ये देखो, ये वाले मैंने बनाए थे। वाओ,
ईयरबड थी तो मैंने ईयरबड ही लगा दी यहाँ पे, से भी अच्छा लग रहा है। और ये कुछ लीव्स हैं और इसे मैंने वैसे पैक कर रखा जैसे हम बुके लाते हैं ना, बुके लाते हैं। वाव, ये टैलेंटेड है कनक तो, है ना? ये तो आपने सबने ये तो देख ही लिया है सबने। और कुछ ये मैंने मम्मा पापा के लिए कार्ड बनाए थे, और वैसे भी कुछ स्कूल्स का भी प्रोजेक्ट मिलता था उसको, तो ये फाइल मेरी भरी पड़ी है ड्राइंग से, आपको मैं दिखाती जी। पानी डाल रहे हो आप पौधों में? सारे बिक गए, अब नहीं बचे हैं एक भी प्लॉट, सब बिक गए हैं। पीछे वाले हैं जो बच रहे हैं, हैं? वो भी एक पार्टी में खरीद रखे हैं, दूसरी पार्टी को बेचेंगे, वो रेट बहुत हाई है। मजा आ रहा है, सारे लोग छत पे आ रखे हैं इस टाइम शाम की। वो कनक करवा लेगी ना बाद में, कनक तो इनसे मिले। ये हैं अथर, जो एक जगह रुक नहीं रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। हाई फाई कर रही थी मैं इसके साथ, बट ये कर नहीं रहा था और भाग रहा था। ये बराबर वाले घर में रहता है, बहुत ही प्यारा है। तो बस अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, घर जा रहे हैं क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो हम बस खाना वाना खा लिया था, उसके बाद में हम लोग ने कहा चलो भाई अब चलते हैं। और आपको आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़।